बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की घटना में देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया। हादसे के बाद जहां पूरे देश में शोक की लहर है, वहीं ग्वालियर के 3 युवा कलाकारों ने सीडीएस बिपिन रावत जी सहित अन्य जवानों को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। इन कलाकारों ने रंगों के जरिए सीडीएस बिपिन रावत को का पोर्ट्रेट तैयार किया है। रंगोली के रंगों का उपयोग करते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय के परिसर के अंदर कड़ाके की ठंड के बीच रात भर जागते हुए इस पोर्ट्रेट को तैयार किया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा। देश ने सीडीएस बिपिन रावत सर को खोया है और उसके बाद पूरे देश में शोक की लहर है। इसके साथ ही उनकी पत्नी सहित अन्य जवानों की भी इस भयावह हादसे में दर्दनाक मौत हुई है और पूरा देश इस समय अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वहीं ग्वालियर के कुछ युवा हैं जिन्होंने अपने रंगों के माध्यम से सीडीएस बिपिन रावत जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया है और हूबहू रंगों के माध्यम से ये कोशिश की है कि उनका व्यक्तित्व जो है वो इस रंगोली के माध्यम से व्यक्त हो पाए। हमारे साथ कलाकार मौजूद हैं, हम उनसे सीधे चर्चा करते हैं। आप लोगों ने किस तरह से ये पूरा प्लान बनाया, क्या श्रद्धांजलि वक्त कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग? जी, हम एक्चुअली जैसे हमें पता चला कि हमारे देश के पहले सीडीएस सर का निधन हो गया है तो हमें उस चीज़ का बहुत खुशी हुआ और हमें लगा कि हमें भी उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करनी चाहिए। तो वैसे तो हम कई रंगोलियां बनाते रहते हैं रंगों से, पर अभी हमें उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करनी थी तो हमने रंगों द्वारा उनके पोर्ट्रेट तैयार करके उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जिस तरह से हमारे सेना के वीर जवान जो हैं वो रात भर हर माहौल में हर परिस्थिति में देश की सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं, आप लोगों ने रात में जाग के बनाने का क्या उद्देश्य रहा ये पूरा? कल शाम को जैसे ही हमको पता चला कि इस तरीके से उनका वो प्लेन क्रैश होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया है तो हम लोगों ने उसी समय डिसाइड किया कि हम लोग अपने रंगोली के माध्यम से या फिर अपने जो भी हमारा आर्ट फील्ड है तो उसके माध्यम से हम उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करें। फिर उस समय हम लोगों को ये हुआ कि हम लोग कुछ इस तरीके से उनको श्रद्धांजलि दें जिस तरीके से वो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसको रात में ही बनाने का डिसाइड किया और रात में 10 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, फिर भी हम लोगों ने 10 घंटे रात भर वर्क किया और इसको कम्प्लीट किया। युवा कलाकार जो हैं इन्होंने अपनी सच्ची श्रद्धांजलि को व्यक्त करने के लिए रात भर जगते हुए टेम्परेचर 10